करो बेटा, पहले मैंने भी खामन दे जी। ए कौन देखे गया मिकाइल फ्रॉम किदू? रोहिल्स डैड देखे गए ना। चलो ये दिखाते हैं जी हम आपको। ये है जी मेरी फ्रेंड है, तो ये देखें इकराम भाई, उनके हस्बैंड का नाम है अलीना, मेरी फ्रेंड का नाम और बच्चे। तो ये रमज़ान मुबारक का गिफ्ट आया है जी। एवरी ईयर उनकी तरफ से ज़रूर आता है ये गिफ्ट। और ये खोलने लगे हैं बच्चे, इसमें क्या है? चलो हाँ जी खोलो, खोल जा सी। एक कटना ही बोन है वैब जिब्राइल, एवं नहीं निकलना। हाँ मिगेल तू ट्राई कर, खोल सकता है। हाँ हाँ ले आओ कैंची। चलो खोलो, चलो खोलो फिर, मैं एक सेकंड क्लोजअप कर दी हूँ। चलो जी खोलो एक सेकंड। चलें जी, ये देखिए उसमें लाइट है, बड़ा प्रीटी लगता है पहना। चलो खोल के देख मिकेल की है, एक पैकेट खोलो। ध्यान नल, ध्यान नल मिकेल, क्रम्स है ना। ओ मिकेल दे विच, तेनो नहीं पता विखा केड़ी मिठाई है? पाकिस्तानी मिठाई की हो सकती है यार, पाकिस्तान तक है नहीं। नहीं दूसरा मिठाई है ना, दे मस्ट ऑल बी दैट। ये थल्ले भी कुछ लिखा हुआ है, इट्स इंग्रेडिएंट्स डेट कुकी। ओके डेट कुकीज है भाई, ये देखें उसमें इंग्रेडिएंट्स भी हैं और ये सारी उसकी कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। रमजान करीम पकड़ के दिखा मैं कहें करीम की मतलब है जी, वैसे रमजान मुबारक आख देना, रमजान करीम भी आख देना। चलो जी है, चल जिब्राइल बेटा सारी चीजें उधर रख दे प्लेट पे, ए तू लेके जानी हो सी, तो पकड़ के खलोती है। चल तू ले चल, लेकिन वो सारे जो डेट्स वगैरह है ना, डेट्स कुकीज बेच रखते हो। मिकेल तू ट्राई करना, अच्छा लेटर। चलो जो खोले और ट्राई कर लेना, बड़े मजे दे उन दिन। मैं तो बहुत दफा खा दें ओनू पूरा सीजर्स नाल ना पूरा कट ले ताकि ओदे च निकल आवे। मिकेल तेरा हेडेक ठीक होया पहले तो कि नहीं? मिकेल तेरा हेयर कट बड़ा अच्छा लगता है बड़े। ओके चलो ट्राई करो, बाइट ले लेना। हाँ हाँ ले ले पीस ले ले। डेट्स हैं कुकी है, कुकी दे डेट्स हैं फिल होए। हाँ जी अच्छा, तू ट्राई करना मिठू, ट्राई कर ले। छोटा जा बाइट लेके देख ले। मिकेल का मुंह देखे, मैं तुम्हें जूम इन करके भी करनी। चल मिकेल ले 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 तो सही, बाइट तो ले। अल्लाह वक्त फरमाता सी, जूम हो गया भाई मिकेल का मुंह। डिड यू लाइक इट? अच्छा ही, दैट वाज अ नो, इट्स ओके, दैट वाज अ नो, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके चलो चलो, मेरा बच्चा अपनी रवन चीज और मैं खाना बना लवा, ठीक है? थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ओके हाँ इन इंजे रखो, बाद खा ली सा, मैं खा ली सा लेटर। ओके चलो जी, ये मैं तुम्हें खावा की मैं पका रही हूँ। हाँ नान बनाना, हाँ जी नान, नान का मिक्सचर ते ऐ की बन रहा है जनाब। चिकन कढ़ाई बनती भी, बस इधर लास्ट रह गए ने दे स्टेप्स, साड़ी चिकन कढ़ाई रेडी है। अच्छा हाँ मिकेल तू की दसदा में यू बर्निंग योर फ्यूचर ऑन फायर, हाउ बर्न द ओ वेट लेट मी शाय, लेट मी व्हाट मिकेल आई फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, आई नीड पानी, आई नीड पानी, पानी गर्मी गर्मी कर ड्रामा नीड पानी। व्हाट इफ देयर इज वाटर ऑन इट, इट विल लाइक गो ऑल ऑफ। देखा वैसे बड़ी प्रीटी है गोल्ड ना, मैं हमेशा सिल्वर देखी है, मैं गोल्ड नहीं देखी। हां दिस इज प्रीटी, मोस्टली इट्स ऑरेंज फॉर बैट हां हैलोवीन। नहीं नहीं ऑरेंज भी होंगे, वाइट भी मिलती है, ट्रांसपेरेंट भी मिलती है। चलो जी
इधर से खाना कंप्लीट करूँ है, नान बनाऊ है, तो सारी चीजें रेडी हो जाए फिर असि खासा खाना। हाँ तू रूम दे पहले ले, पहले भी तू आंटी दे ली छोटी जी एक लाइट पहले भेजी हुई तेरे को ली है ना लास्ट ईयर वाली भी। अच्छा खराब हो गई है। ओके चलो जी उन्हें स्टार्ट करिए खाना बनाना। चलें जी आपको दिखाऊं फाइनल लुक, मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये है जी हमारी कढ़ाई का फाइनल लुक। वी वी अब हम बनाएंगे नान गरम गरम और साथ में हम खाएंगे गर्मा गर्म कढ़ाई। एक्चुअली कढ़ाई मैंने रेडी कर दी थी शाम में, बस इसके जो फाइनल टचेज होते हैं ना वो मैं हमेशा फ्रेश करती हूँ, क्योंकि उससे ये जो ऑयल ऊपर आता है ना इसका, ये बड़ा मज़े का लगता है। बड़ी मज़े की ढाबा कढ़ाई है। मुझे पता है कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि इसकी फुल रेसिपी दें, आज मैं फिर भूल गई थी इसको फिल्म करना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी पकाऊंगी कंप्लीट रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। आप लोग ये बनाएंगे ना तो आपको अच्छी लगेगी, ख़ासतौर पर रमज़ान में अगर आप ये बनाएं सहरी में पराठों के साथ खाएं, आए हाय हाय क्या मज़ा आता है। चलें अब हम नान की तैयारी करते हैं, नान बनाने की, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें साथ आपको दिखाती रहती हूँ। चलें जी नान की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। नानों की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी और फिर भी आप बोलेंगे तो कभी कर दूंगी, लेकिन आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि आज सारा दिन मैं थोड़ी बिजी थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की वही ब्रेक की वजह से सारे दिन का जो स्केड्यूल है मेरा डिफरेंट हो चुका है। लेकिन मैंने कहा चलो आज चूँकि एक स्पेशल दिन ही हो जाता है जब बच्चे घर पर होते हैं सारा दिन, तो मैंने उनको पूछा क्या बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला अम्मा नान अम्मा हमें कढ़ाई बना के दें, तो कढ़ाई के साथ मुझे पता है इनको नान बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बना दिए थे नान। और उस दिन मैंने नान दिखाए थे अपनी ग्रॉसरी में, तो मुझे किसी ने मैसेज किया था कि गुल आप जो बाज़ार से नान लेते हैं वो ना लिया करें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, लेकिन एक्चुअली मैं घर में नान बनाती हूँ, लेकिन ये घर में नान रोज़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और वो नान अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है या नान पकौड़ा या कभी इमरजेंसी में नान की ज़रूरत पड़े तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, वरना मेरे घर में नान बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलें जनाब यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त, अब करूँगी आपने डिनर को इन्जॉय। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग भी आपने इन्जॉय किया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।